नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पे फिर से हम लोग आ गए हैं एक और पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास असर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के बिसिकला पंचायत में। ये शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम उमेश पासवान है, बिसिकला पंचायत के ये मुखिया हैं। और भी पंचायत के वार्ड सदस्य हमारे साथ, वार्ड सदस्य के पति हैं, पंचायत के विकास पे चर्चा करने के लिए। तो आइए रुक करते हैं पहले मुखिया जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत में कि इस पंचायत का विकास स्तर हाजिर है क्या और क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या दिक्कत है विकास के मुद्दों पे। तो आइए रुक करते हैं, नल जल योजना की कैसी स्थिति है अभी आपके पंचायत में? ये हमारे पंचायत में नल जल की स्थिति ठीक है, सही ढंग से है। कुछ जहाँ तहाँ गड़बड़िया है, तो अभी हम 5 नंबर वार्ड में माने वहाँ काम चल रहा है। हम लगे हैं कि हमारे पंचायत की जितना ही नल जल है तो सुचारू रूप से चले। बात करते हैं और भी योजनाओं की, जैसे 15वीं हो गए, सिस्टम हो गए, इन सब के तहत क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने पंचायत में आप? ये हम बिसिकला पंचायत में 15वीं से काम करवाए हैं और पक्कीकरण ढलाई का और नली का काम कराए हैं। जो हम पंचायत में 6वीं से भी काम कराए हैं, वे अच्छे ढंग से हम काम कराए हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पंचायत में राशि आएगी तो पंचायत को हम विकास करेंगे। जनता हम पर भरपूर भरोसा की है कि हम मुखिया एक गरीब परिवार से जिताए हैं, गरीब लोग हमको वोट देकर जिताए हैं कि गरीब को हम भलाई करने के लिए। हम ये भी सोचते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी पहले इंदिरा आवास आए हैं, बहुत से लोग उसमें वंचित है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लोगों को लाभ मिला आपके पंचायत में? लमसम लाभ मिला है लगभग 150-200 के लमसम में मिला है, और कुछ लोग भी वंचित रह गए हैं। अभी वंचित लोग है, गरीब गुरबा उसमें नाम नहीं जोड़ा गया। सही में जरूरत थी, उनको अभी तक नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, अभी तक नहीं मिला है। तो हम यही कहेंगे कि अपने बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को कि अब इसी कला पंचायत है, हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दिनारा प्रखंड के 21 पंचायत है, मुखिया एक नगर है। इस प्रखंड में कम से कम इंदिरा आवास की राशि आना चाहिए कि हर लोग गरीब आदमी को राशि मिल सके। अच्छा, बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कैसी स्थिति है अभी आपके पंचायत में? आपके पंचायत में ये हमारे पंचायत में एक बिसिकला, एक वो कोरिया में स्वास्थ्य केंद्र दो है। अच्छा, और कितने क्लास तक पढ़ाई होती है आपके पंचायत के स्कूलों में? अब गाँव वाइज हम बता देते हैं कि बिसिकला गाँव में 1 से लेकर IA तक, यानी 10+2 का हम लोग कहते हैं, बिसिकला में है। टीचर टाइम टाइम आते हैं कि नहीं? टीचर टाइम पर आते हैं, ये हम लोग भी इस पर निगरानी रखते हैं कि सही ढंग से पढ़ाई हो। अच्छा। ये हमारे पंचायत में होता है, और प्राइमरी स्कूल डुमरा में है, मिडिल स्कूल कोविरिया में है, लहेरी में प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, पंचायती राज को लेके बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जो फैसले आते हैं उनसे आप खुश हैं? अभी हम बिहार सरकार से अभी खुश नहीं है, इसलिए कि समय पर भी पैसा नहीं आता है स्कूल में, टीचर भी लोग तबाह हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे बिहार सरकार की समय पर पैसा दे, समय पर टीचर भी आते हैं, पढ़ाई होता है कि कम से कम गरीब गुरबा के बच्चा उसमें पढ़ सके। यानी और हमारे पास, यानी दूसरे के पास पैसा रहते हैं, चले जाते हैं पटना दिल्ली पढ़ने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम स्कूल में पढ़ाई हो, समय पर टीचर आए, यदि टीचर नहीं आएंगे तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी आपके पंचायत की मुख्य समस्या क्या है? हमारे पंचायत की मुख्य समस्या है कि लोग हमको गली गुचा में चलते हैं कि मुखिया आपको हम लोग चुनाव जिता दिए हैं, तो बहुत से लोग इंदिरा आवास के लिए बोलते हैं, कबीर संतुष्टि के लिए बोलते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं कि 14 वार्ड है कि 1 से 4 तक वार्ड में स्ट्रिक्ट लाइट लग गया है और वार्ड वंचित है, तो हम लोग के कब लाभ मिलेगा? ये हमारे पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन बना है पहले से, वहाँ जाने की रास्ता नहीं है। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हमने मांग करते हैं, और अपने पदाधिकारी से भी, CEO साहब से मांग किए हैं कि पंचायत सरकार भवन पर जाने के लिए हमको रास्ता चाहिए। वो बाधित होता है, जो भी पदाधिकारी आते हैं पहुंचते नहीं है, गांव के ग्रामीण जनता भी, पंचायत के ग्रामीण जनता भी वहां पहुंच नहीं जाती है, पाकी होता है, कीचड़ है। तो हम यही कहेंगे कि कम से कम जिस तरह हाई नेशनल बनता है, रोड बनता है, किसी को कास्ट पड़ता है कि सरकार मुआवजा दे देती है, तो उसी तरह हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत सरकार भवन पर रास्ता देने के कष्ट करे, और जिसका जमीन कास्ट पड़ता है उसको मुआवजा देने के कष्ट करे कि कम से कम पंचायत सरकार भवन पर हमारी 4 चक्का गाड़ी चल जाए कुछ किसी पदाधिकारी को।
ये बहुत से समस्याएं हैं हमारे पंचायत में, लेकिन हम यही कहेंगे बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, हमारे पंचायत में राशि देने की कोशिश करें कि हम पंचायत को पंचायत। जी हमारे पंचायत में फंड की कमी है। टोटल आपके पंचायत हमारे गांव में राजस्व गांव है 9 गांव है, या टोटल गांव मिलाकर के छोटा मोटा टोला भी है तो 12 है, लेकिन राजस्व गाँव में 9 है। चले धन्यवाद। और भी हमारे साथ पंचायत के लोग हैं, सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, तो आइए रुक करते हैं उनकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे भैया पंचायत को लेकर? पंचायत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप पंचायत को लेकर? अरे पंचायत को लेकर क्या कहेंगे, जो काम हो ही रहा है, काम अच्छा से हो ही रहा है, तो क्या कहेंगे। चले धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी और पंचायत के वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य के पति हैं यहाँ पे मौजूद थे, सारी बात इन्होंने बताई है पंचायत के विषय में, क्या कुछ इस पंचायत का विकास स्तर है और क्या क्या दिक्कत हो रही है पंचायत में विकास के मुद्दों पे। साफ तौर पे ज़्यादा परेशानी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन एक मुख्य रूप से इन्होंने समस्या बताई है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो फैसले लेती है पंचायती राज को लेके, वो सरासर कहीं ना कहीं गलत है पंचायती राज को लेके, क्योंकि मुखिया का अधिकार कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेके, एक और पंचायत की बात करने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं निशांत कुमार, पटना।